जैसा कि आप जानते हैं कि वो लम्हे एक ऐसा दिलचस्प प्रोग्राम है जिसमें आप आपके पसंदीदा फनकार कलाकार से मुलाकात करते हैं, हम उनसे ढेर सारे सवाल करते हैं और उन सभी सवालों के जवाब वो अनोखे से अपने ही दिलचस्प अंदाज में देते हैं। आज के हमारे इस खास एपिसोड के जो खास मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उनकी मौजूदगी ही अपने आप में कयामत से कम नहीं। भजन के माहिर पुरुषोत्तम दास जी के यहाँ नैनीताल में पैदा हुए, लखनऊ में उनकी तालीम पूरी की गई, ऑल इंडिया रेडियो में एज अ कोरस सिंगर उन्होंने अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1973 में वे लखनऊ से मुंबई आ गए। 1974 में पहली बार उन्होंने एक्टर मनोज कुमार की फिल्म शिरडी के साईं बाबा में गीत गाया। उन्होंने ढेर सारे भजन गाए और गजलें भी बखूबी गाई, बस फिर क्या था, उसके बाद उनकी शोहरत और कामयाबी का सिलसिला चलता रहा। जी हाँ, और कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं मशहूर गजल भजन सिंगर, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी की। तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं हमारे आज के खास एपिसोड में, वो लम्हे के खास एपिसोड में। अनूप जी, आपका हमारे शो वो लम्हे में तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया मुझे इस प्रोग्राम में कुछ बातचीत करने का। आपके कीमती वक्त में से जो थोड़ा सा वक्त हमने लिया है और आपने बातचीत के लिए हमें दिया है, उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए अनूप जी, के नैनीताल से लखनऊ फिर मुंबई, इतना लंबा ये सफ़र, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि इसके बारे में हमारे नाज़रीन हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। नैनीताल का तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। नैनीताल हमारे माता पिता 1953 में जुलाई की गर्मियों में घूमने आए और जब वापस गए तो तीन थे, मैं भी उनके साथ हो लिया। ओके। मतलब मेरा जन्म, वो छुट्टियां मनाने आए थे गर्मियों की नैनीताल में, वहाँ मेरा जन्म हो गया, मुझे गोदी में लेके लखनऊ आ गए क्योंकि लखनऊ में ही रहते थे। फिर मैं लखनऊ रहा, लखनऊ में पिताजी से संगीत सीखता रहा, वहाँ म्यूज़िक कॉलेज है भातखंडे संगीत महाविद्यालय, वहाँ भी म्यूज़िक सीखता रहा और 7 साल की उम्र से मैंने स्टेज पे गाना शुरू कर दिया, पिताजी के साथ ही महफिलों में शुरू कर दिया गाना। फिर जब 13-14 साल का हुआ तो पूरी तरह अपने कॉन्सर्ट्स करने लगा था और मन में यही था कि और कुछ नहीं करना है, बस सिंगर ही बनना है, अपने पिताजी की तरह ही महफिलों में कॉन्सर्ट्स करने हैं। और फिर वही हुआ कि जब मैंने लखनऊ में बीए कंप्लीट किया तो बस और कुछ करने का मन नहीं हुआ, मैं बॉम्बे आ गया। आकर मैंने यहाँ कोरस सिंगर्स का एक ग्रुप था ऑल इंडिया रेडियो में, उसमें 30 सिंगर थे, उसमें मैंने नौकरी की, मैं भी उसमें गाने लगा। 2 साल करीब मैंने उसमें काम किया और उसी बीच में मेरा गाना कुछ लोगों ने सुना, मनोज कुमार जी ने सुना और उन्होंने मुझे फिल्म शिरडी के साईं बाबा में गाने का मौका दिया और वो फिर एक शुरुआत थी। ऐसा लगता था कि फिल्मों में एक नया प्लेबैक सिंगर आ जाएगा, लेकिन मुझे फिल्मों में गा के मज़ा नहीं आया। मैंने सभी म्यूज़िक डायरेक्टर से लगाया, मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, हृदयनाथ जी, आर डी बर्मन, भप्पी लहरी, सबके लिए गाया, लेकिन मैं बाद में उन्हें यही कहता था कि जो मज़ा मुझे स्टेज पे गा के आता है वो रिकॉर्डिंग में नहीं आता, फिल्मों में नहीं आता। तो भजन गायकी में आपका कैसे, आपने इसमें एंट्री ली? बस वो यूं ही हुआ कि जब फिल्म में गाने में नहीं मज़ा आ रहा था तो मज़ा आ रहा था भजन गाने में, गजल गाने में। तो भजन और गजल अपने आप में दो अलग अलग फील्ड्स हैं, तो कहाँ भजन और फिर कहाँ गजल, तो भजन से फिर गजल में आपका कैसे आना हुआ? दोनों अलग नहीं हैं, दोनों अलग अलग पोइट्री है, म्यूज़िक तो वही है, जैसे वही 7 सुर हैं उसमें आप सारा कुछ गाइए, चाहे उसमें गजल गाइए, गजल गाइए, पंजाबी गाने गाइए, पॉप सॉन्ग गाइए, सुर तो वही है। तो भजन गजल में इतना ही फ़र्क है कि पोइट्री का फ़र्क है, आप भजन को भजन की तरह गाइए, गजल को गजल की तरह गाइए। जैसे आप आज उर्दू प्रोग्राम में उर्दू में बोल रही हैं, कल आप पंजाबी प्रोग्राम करिए, पंजाबी में बोल दीजिए, कोई फ़र्क ही नहीं है। तो आपको क्या, अपने दिली तौर पर आपको क्या, भजन गाना ज़्यादा पसंद है या फिर गजल? मुझे एक्चुअली क्लासिकल ज़्यादा पसंद है। Okay. और यही वजह है कि मैं जो कुछ भी गाता हूँ, चाहे भजन गाऊँ गजल गाऊँ, सब में मेरा क्लासिकल टच बहुत होता है। Okay. किसी न किसी राग का आधार लेके मैं गाता हूँ, कुछ राग, कुछ तो गाने ऐसे हैं जिसमें मैं 6-7 राग गाता हूँ बीच में। ये मेरे पिताजी की देन है। Okay. उनका एक भजन है चदरिया झीनी रे झीनी। Okay.
वो जब मैं गाता हूँ तो 6-7 राग उसमें गाता हूँ। मैया मोरी में सुबह के राग शाम के राग अलग अलग गाते, तो शास्त्रीय गाने का ज़्यादा मन है और आगे चल के शायद मैं क्लासिकल म्यूजिक में और भी चला जाऊँ। अनूप जी, आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों का जो रुझान है वो लाइट म्यूजिक की तरफ ज़्यादा जा रहा है और क्लासिकल थोड़ा सा पीछे रह गया है? क्लासिकल क्या है कि वही लोग समझ सकते हैं जिनको थोड़ा सा सीखने का भी मन हो, जो ज़रा अच्छे श्रोता हों, थोड़े लिटरेट श्रोता हों, वो इतने तो मिलते नहीं हैं। लेकिन जिनको उसका रस लग जाता है फिर उनको छोटा मोटा रस लगता नहीं है। ऐसे मैं ये समझता हूँ कि शास्त्रीय संगीत एक बहुत महान संगीत है और हमारे देश में अगर भारत रत्न दिया जाता है तो बिस्मिल्ला खान साहब को दिया जाता है, रविशंकर जी को, किसी पॉप सिंगर को तो नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो बेहतर है कि हम उस संगीत के रास्ते पे चलें जो बहुत रिस्पेक्टेड संगीत है। हिंदुस्तानी जो संगीत है, चाहे उसकी कोई भी अलग अलग विधाएं हो, उसमें देख रहे हैं दौर के साथ साथ बहुत बदलाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बदलाव आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो किस तरह के और वो कहाँ तक ठीक है? बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव आने से ही उनमें फ़र्क जो है उसका पता लगता है। जैसे आज फिल्मी गानों में जो बदलाव आया तो लोग ये कहते हैं कि आज के गाने जो हैं वह 2-4 दिन सुनने में अच्छे लगते हैं, फिर वही पुराने गानों की तरफ ध्यान चला जाता है। तो ये बदलाव के कारण ही ये बात सामने आई। इसी तरह शास्त्रीय संगीत में भी है कि बदलाव जब कोई लाने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा फ्यूजन की कोशिश करता है, तो फिर मन में होता है कि यार प्योरिटी की बात कुछ अलग है, जो ओरिजिनल है उसका कुछ काम अलग है। तो सब कुछ करना चाहिए, चेंजेस भी लाने चाहिए, बदलाव भी चाहिए, लेकिन जो शुद्धता है उसको ज़रूर सबसे सामने रखें, क्योंकि वही है जो देर तक चलने वाली। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दोस्तों, 4000 से भी ज़्यादा लाइव कंसर्ट्स परफॉर्म कर चुके अनूप जलोटा जी के फैंस दुनिया भर में मौजूद हैं। 150 से भी ज़्यादा डिवोशनल सॉन्ग एल्बम्स उनके मार्केट में आ चुके हैं, पसंद भी किए गए हैं और खूब कामयाब रहे हैं। उनके कुछ कामयाब भजन एल्बम्स इस तरह हैं, साई वंदन, रंग दे चुनरिया, भजन राता, भजन संध्या आदि। ये बताइए कि बहुत ही बुरा है ऐसा होना, बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो नए सिंगर्स हैं उनका ध्यान भजन और गज़ल की तरफ से थोड़ा हट रहा है। देखिए, इसकी वजह है कि ओवरनाइट सक्सेस जो है वो भजन गज़ल से नहीं मिल सकती, वो मिल सकती है झलक दिखलाया से। ओके। वो मिल सकती है साढ़े नाल बैठोगे तो ऐश करोगे, कि टीवी में धर आ गया सब जगह और सब पहचान गया। ये ओवरनाइट जो सक्सेस है, कहते हैं वो जो जल्दी से जो प्राप्त हो जाती है, वो भी देर तक चलती भी नहीं। जरूर शॉर्टकट जो हैं वो काम तो कर जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत जल्दी शॉर्ट सर्किट हो जाता, फिर वो काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जो लोग कई साल रियाज करके, मेहनत करके धीरे धीरे क्षेत्र में आते हैं, जैसे मैं बात करूं जगजीत सिंह साहब की, जगजीत सिंह साहब आज पिछले 35 साल से सदाबहार हैं। बिल्कुल। मेरा रिकॉर्ड हुआ था ऐसी लागी लगन 28 साल पहले, आज भी लोग सुन रहे हैं ऐसी लागी लगन। ये सब तभी पॉसिबल है कि ओवरनाइट सक्सेस की ओर ध्यान ना जाए, एक अच्छे क्रिएशन की तरफ ध्यान जाए, कुछ अच्छी चीज़ क्रिएट की जाए जो लोग पसंद करें और देर तक उनके जहन में रहे, सिर्फ कान तक ना रहे, दिलो दिमाग तक दिलो कुछ है। तो आपको लगता है मीडिया और म्यूजिक कंपनीज का इसमें अच्छा खासा, ये कहेंगे कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, बिकॉज प्रमोशन वो कहीं और दे रहे हैं? देखिए, मीडिया और म्यूजिक कंपनी जो हैं उनका तो बिजनेस है, उनको तो बेचना है, तो उनको कोई एल्बम बेचना है तो उनको खूब टीवी में दिखाना ही होगा तो बिकेगा। लेकिन वो क्या स्टडी सेल होगी उसकी या एक महीना बिकेगा, वो डिपेंड करता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम स्टडी सेल की तरफ जाएं, कि ऐसी चीज़ रिकॉर्ड करें जो 25 साल बाद भी लोग खरीदें। अगर कभी आपके आगे ऐसे ऑप्शन आए कि आपको फिल्मी गानों की तरफ रुख करना हो, तो क्या आप करना चाहेंगे? फिल्मी गाने में ज़रूर गाना चाहूँगा, मैंने पहले गाए भी हैं, बहुत सी फिल्मों में मैंने गाया, लेकिन ऐसा है कि फिल्मी गाने वो गाए जाएं जो
हम पर सूट करें, जो हमको गाने में अच्छा लगे, जो मेरा मन लगे गाने में। मुझे याद है एक बड़ा अच्छा गाना आडी बर्मन जी ने बनाया था और उन्होंने मुझे कहा कि फिल्म बन रही है प्रोफेसर की पड़ोसन, उसमें एक क्लासिकल सॉन्ग है आपका और लता जी का, तो आप गाएंगे? तो मैंने कहा ज़रूर गाएंगे, और मैंने गाया, बड़ा मज़ा आया गा के। फिर उन्होंने एक फिल्म में और मुझे बुलाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कई गाने गवाए, अच्छा लगा मुझे गा के। लेकिन जो एक देर तक का जो मज़ा है कुछ गाकर, वो अच्छे कॉन्सर्ट्स में ही आता है। 3 घंटे जो महफिल में हम गा लेते हैं, मेरे ख्याल से वो नशा तो कहीं और नहीं मिलेगा। आजकल जैसे बहुत ही खूबसूरत गाने बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप वीडियो को आएँ, क्योंकि पब्लिसिटी करने के लिए वीडियो बनाते हैं, तो वो जो वीडियोज़ आते हैं वो कहीं ना कहीं उस संगीत से, उन लफ्ज़ों से मैच नहीं करते, तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक ठीक है? मेरे ख्याल से तो जो वीडियो हैं वो सेल को तो प्रमोट करते हैं, लेकिन गाने की आत्मा को बिगाड़ देते हैं। जैसे मैं बीच में एक क्लासिकल एल्बम एक आर्टिस्ट का सुन रहा था, कुछ बहुत ही अच्छा था, कुछ ठुमरी गा रहे थे एक सिंगर, और उसमें वीडियो जो हम देख रहे थे वो था कि एक लड़की जो है वो एक झील में नहाने जा रही है और नहा के बाहर आ रही है, तो मुझे उसका कुछ तालमेल नज़र नहीं आया कि इससे क्या मतलब है इससे, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो देख कर वो एल्बम ज़रूर बिका होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। लेकिन उस गाने की आत्मा जो थी वो ज़रूर बिगड़ गई थी, तो उसका कोई तालमेल नहीं था उससे, एल्बम ज़रूर बिका होगा लेकिन गाने की आत्मा तो मर गई। आजकल बहुत बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, बहुत उम्दा सिंगर्स हैं, वो भी रिमिक्सेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, खुद उनके ही गाए हुए गानों को फिर रिमिक्स अगर करते हैं तो उन्हें दोबारा भी गा रहे हैं, तो आप क्या इसमें आप सोच रखते हैं, क्या ये ठीक है? मुझे लगता है उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो ओरिजिनली पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं वो बहुत अच्छे रिकॉर्ड हो चुके हैं, लोग उसको सुन भी रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, तो रिमिक्स करने की कोई ज़रूरत है नहीं मुझे लगता। आपके अल्फाजों में मैं जानना चाहूँगी, संगीत के ज़िंदगी में मायने और ज़रूरत क्या है? पहले आपको ज़रूरत बताता हूँ, संगीत एक ऐसी शक्ति है जो हमें ईश्वर के नज़दीक तक ले जाती है। संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, मनोरंजन के तो बहुत से साधन हैं, संगीत तो संतों ने अपनाया ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो संगीत एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, सच्चे आनंद के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए। और दूसरी चीज आप जानना चाहती थी, मायने। ये सच है कि यदि हम किसी भी चीज की गहराई में जाएं, तब हमें उसके मायने नजर आते हैं। मेरा क्षेत्र संगीत है, मेरा क्षेत्र संगीत यही कहता है कि संगीत के मायने आत्मा में उतरिए, संगीत में झांकिए, इसकी गहराई में जाइए और ईश्वर प्राप्ति के साधन को अपने नज़दीक पाइए, यही संगीत के मायने। अगर कोई भी गजल या भजन जो आपके दिल के बहुत करीब हो, अगर उसकी दो लाइनें आप हमें सुना दें। जरूर जरूर। ये गजल के चंद शेर आपको सुनाता हूँ। गैर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है, गैर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है, अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है, गैर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है। जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए, जिंदगी यूं ही बहुत
कम है मोहब्बत के लिए रूठ कर रूठ कर रूठ कर वक्त गवरने की जरूरत क्या है अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है गर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है वेरी नाइस एंड थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आप इतना खूब गाते हैं कभी आपने ये नहीं सोचा कि एक्टिंग यानी अदाकारी की ओर भी रुख किया जाए मैंने एक्चुअली थोड़ी एक्टिंग पहले की है फिल्मों में और अब एक नई फिल्म आ रही है मालिक एक जो शिरडी बाबा पर बन रही है दीपक बलराज भी जो उसे डायरेक्ट कर रहे हैं और उसमें जैकी श्रॉफ काम कर रहे हैं शिरडी बाबा का उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दास गनू का जो शिरडी बाबा के बहुत ही क्लोज एक भक्त थे तो वो रोल मैं कर रहा हूँ तो अब फिर आप मेरी एक्टिंग देखेंगे बेस्ट ऑफ लक भगवान करे कि बहुत ये अच्छे से फिल्म बन जाए और जो आप उसमें अदाकारी करें वो भी कयामत से कम ना हो शुक्रिया शुक्रिया तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अदाकारी और ये संगीत संगीतकार होना और दूसरी तरफ अदाकारी आपको क्या लगता है दोनों अपने आप में कलाएँ हैं लेकिन फिर भी क्या ज़्यादा मुश्किल लगता है सबसे मुश्किल तो है गाना क्योंकि इसमें जो सुर को संभालना है कि सुर गलत ना लगे सही गाया जाए ये एक बड़ा मुश्किल काम है कहीं गले में थोड़ा खराश आई और सुर इधर उधर हो गया बड़ी तकलीफ होती है तो सबसे मुश्किल गाना है अभिनय बहुत मुश्किल काम है और मुझे याद है कि मैंने जहाँ जहाँ भी काम किया वो मुझे लगा कि ये काम आसान नहीं है लेकिन सुर का काम सबसे कठिन है अगर लोगों को बहुत पसंद आई आपकी एक्टिंग और आपको एक्टिंग के बहुत ऑफर्स आने लगे और आपके पास संगीत के लिए वक्त कम हो गया तो आप क्या करेंगे संगीत के लिए कभी कम नहीं होगा क्योंकि सारा दिन मैं संगीत ही करता रहता हूँ मुझे याद है कि जब जब मैंने शूटिंग के लिए भी टाइम दिया है तो वहाँ भी मेरा हारमोनियम तानपुरा मेरे रूम में रहता है और जिस वक्त शूटिंग नहीं हो रही होती मैं गाना गा रहा होता हूँ गाने से तो मैं दूर हो नहीं सकता बहुत सारे सब व्यूअर्स फ्रेंड्स आपके भी फैंस होंगे जो आपको आइडियल मानते होंगे ये एक सवाल मेरी तरफ से लेकिन मुझे पता है उनके लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं पूछना चाहूँगी बताइए अनूप जी के एक संगीत साधक के लिए रियाज की क्या इम्पोर्टेंस है रियाज एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम 3 दिन रियाज ना करें तो संगीत हमसे 30 दिन दूर हो जाता है इसलिए हमको रोज़ रियाज करना पड़ता है रोज़ मैं 6-7 घंटे रियाज करता हूँ कभी कभी 10-10 घंटे रियाज करता हूँ सुबह उठे और बस लग गए और फिर होश नहीं रहता कि कब ये ख़त्म हो रहा है तो बहुत भारी और लंबी मेहनत जी हाँ जी अब ये ज़िंदगी इसी में दी हुई है और इसी से हमको शायद आनंद भी मिल रहा है हम जिस दिन रियाज बंद कर देंगे हमारा आनंद निकल जाएगा हमारे अंदर से आजकल के जो न्यू कामर्स हैं जो एम्बिशियस लोग आ रहे हैं वो शॉर्टकट में बहुत विश्वास रखते हैं बहुत यकीन रखते हैं तो उन्हें ये बात सही में समझने की ज़रूरत है कि रियाज जो है उसके बगैर तो आप संगीत की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते उन्हें ये बात समझनी ही होगी कि शॉर्टकट में शॉर्ट सर्किट भी है लेकिन हम लोग जो एक लंबी यात्रा करते हैं उसमें कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं है बिल्कुल क्योंकि आप हमेशा अपने कदम संभाल के रखते हैं और धीरे धीरे चलते हैं तो कोशिश करिए कि इस रास्ते जाएं ये रास्ता आपको मंजिल तक जरूर ले जाएगा अनूप जी आपका एक छोटा सा बेटा भी है क्या उसकी संगीत में दिलचस्पी है बहुत दिलचस्पी है उसका नाम है आर्यमन अभी वो 11 साल का है अभी गाता तो नहीं है लेकिन संगीत सुनता बहुत है तो मैं समझता हूँ कि सुनने से भी संगीत बहुत आता है एक दिन उसके अंदर वो अंकुर फूटेगा कि अब मुझे गाना भी है इंशाल्लाह ऐसा ही हो ऐसे ही हो और जो ऊंचाई के मुकम्मल मुकाम ये कामयाबी का मुकाम आपने हासिल किया है उससे भी 10 कदम आगे जाए ऐसी दुआ है ये बताएं अनूप जी के आगे आने वाली ऐसे कौन से एल्बम्स हैं गजल या भजन के जिसमें हम आपको अब सुन सकते हैं मेरे अभी 3 एल्बम म्यूजिक टुडे रिलीज कर रहे हैं जिसमें बोलो राधे फिर एक है जिसमें भगवान राम के भजन हैं एक है जिसमें सिर्फ निर्गुण भजन है
तो उनके साथ 5 एल्बम एक्चुअली करने हैं, 3 तो हो गए हैं, 2 और होंगे। फिर एक एल्बम मैं गज़ल का कर रहा हूँ, एक यहाँ दास म्यूज़िक कंपनी है उनके लिए मैं 2 एल्बम गज़ल के कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ आप हर महीने 2 महीने पर नया देखते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे। आपके जो फैंस हैं, मार्गदर्शन के तौर पर मैं चाहूँगी आपने किसी राय से उन्हें नवाजें, ऐसी राय दे जिससे वो मंजिल पर पहुँचने के लिए सही रास्ता तय कर सकें। जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि संगीत बहुत ही प्यारा क्षेत्र है, बहुत सुंदर आनंददायक क्षेत्र है। इस फील्ड में आपको जो आनंद मिलेगा शायद किसी दूसरी फील्ड में नहीं मिलेगा। इसमें आप आने से पहले इससे प्रेम करिए, स्वरों से प्रेम करिए, गीतों से प्रेम करिए, शब्दों से प्रेम करिए, फिर देखिए आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आएगी वही मुस्कुराहट आप लोगों को बांट सकेंगे। बस इतना कहना है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी। लेकिन फिर भी इस बातचीत को ख़त्म करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अगर कोई भी फिल्मी गीत जो आपके दिल के करीब हो, पहले वो गज़ल थी, अब एक फिल्मी गीत तो अगर आपको सुना दें। ज़रूर ज़रूर। मुझे किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद हैं, एक गाना मैं उनका सुनाता हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई तो कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बहुत खूब अनूप जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, और शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस वो लम्हे शो के लिए और हमसे बातचीत के लिए निकाला। मुझे भी ये लम्हे याद रहेंगे, शुक्रिया।